कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले चंद्रपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राजौरा तालुका के पुरबुड़ी में दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। सड़क को गीली मिट्टी से भरा देखकर पटोले और अन्य नेताओं ने भी बैलगाड़ी चलाने की इच्छा पूरी की। दौरे के बाद उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10.5 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि फसलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में 2 लोगों की असंवैधानिक सरकार मजा ले रही है और फिर भी किसानों को कोई मदद या मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसकी उन्होंने आलोचना भी की। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले चंद्रपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अपने दौरे पर है। उन्होंने राजौरा तालुका के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया और स्थिति देखी। उन्होंने बताया कि राज्य में 10.5 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य में 2 लोगों की असंवैधानिक सरकार आनंद ले रही है और अभी भी किसानों की मदद या मुआवजा नहीं दिया गया है, ऐसी आलोचना भी की। चंद्रपुर जिले में युवा किसानों की आत्महत्या के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, सत्ता के उन्माद में इस सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से घर भेजा जाएगा, और किसानों को आत्महत्या न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भूमिका हमेशा से ही किसानों के हित में रही है। शेतीचं नुकसान झालेलं आहे आणि घर पडलेली आहे, अशा परिस्थितीमध्ये राज्याचं सरकार 2 लोकांचं जे आहे हे असंविधानिक सरकार आहे, ते निर्णय घेऊ शकत नाही, ते स्वतःच्याच मस्तीमध्ये गुल आहेत। आणि एकीकडे तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे शेतकरी आत्महत्या करते, आम्ही शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की आत्महत्या कोणी करू नका, जे आपल्याला आत्महत्या करायला बाध्य करतात त्यांना आम्ही लोकशाही पद्धतीनं कसं त्यांना घरी पाठवायची ती व्यवस्था करू। काँग्रेस पक्ष या सगळ्या शेतकऱ्यांना आणि गरीब लोकांना मदत करायची भूमिका काँग्रेस पक्षाची राहणार आहे। सरकारशी 2 हात करू। मी आता हा दावा केला, परवा मी मुंबईत 1 तारखेला आहे, उद्या मी नाशिक आणि अहमदनगरमध्ये आहे। 1 तारखेला मी गेल्याच मुख्यमंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव त्यांच्या सगळ्यांचं लक्ष वेधून तातडीने शेतकऱ्याला मदत सुरू झाली पाहिजे, गरीब माणसाला मदत सुरू झाली पाहिजे, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची राहणार आहे। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।